11.2 देखिए, सेम टू सेम हमने थ्योरम नंबर 11.1 को ही यहाँ पर लिखा हुआ है। थ्योरम देखिए ना, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम अगर हो तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अभी तक हमको क्या मालूम था पैरेललोग्राम में? सिर्फ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। अब और क्या मालूम चल गया? इक्वल भी होते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और अब क्या मालूम चल गया कि ये इक्वल भी होते हैं। तो एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल एज वेल एज इक्वल, दोनों पेयर। समझ आया? अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हम कोई अलग से चीज नहीं ला रहे, अभी अभी जो हमने लिखा है 11.1 में सेम वही चीज लिखी है। क्या करना है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, एक डायगोनल हमने बनाया, और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही एक डायगोनल खींचते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या करता है? दो 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 क्या कंग्रेंट ट्राइंगल में उस पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देता है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कंग्रेंट। और एंगल साइड एंगल्स हमने इसको भी प्रूफ भी किया, सेम चीज। अब इसका आंसर देखिए, इसका प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है इसमें? हमको दो ट्राइंगल कंग्रेंट नहीं बनाने, हमको क्या प्रूफ करना है? अपोजिट साइड्स इक्वल है। कौन से हैं अपोजिट साइड? ए बी का अपोजिट साइड कौन है? डी सी। इनको हमको इक्वल दिखाना है प्रूफ करके। फिर से, ए डी का अपोजिट साइड कौन है? बी सी या सी डी। इनको आपस में हमको क्या करना है? क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए ध्यान से इधर देखो, हंसो नहीं, इधर ध्यान से समझो बनाने का मेथड। ए बी और डी सी क्या है? साइड है कि एंगल है? साइड है। अब ध्यान से सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए और याद कर लीजिए। जब भी दो साइड इक्वल करना होता है, क्या जब भी दो साइड क्या करना होता है? इक्वल करना होता है, तो हम क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको दो साइड इक्वल करना है, दो साइड इक्वल करना है, तो हम सबसे पहले इमेजिन करेंगे कि ये एक साइड एक ट्राइंगल का हिस्सा हो, दूसरा साइड दूसरे ट्राइंगल का हिस्सा हो। जिन दोनों साइड को इक्वल बनाना है वो दोनों साइड अलग अलग ट्राइंगल के हिस्से होने चाहिए। अब ये दोनों साइड, दो ट्राइंगल हमने इमेजिन कर ली उसके साइड हैं, ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए, एक एक ट्राइंगल का और ये दूसरे ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमको क्या करना है? साइड को इक्वल बनाना है ना। ये कौन से साइड बन गए अब? करस्पॉन्डिंग साइड्स। दो करस्पॉन्डिंग साइड्स कब इक्वल होते हैं? जब दोनों ट्राइंगल क्या हो? कंग्रेंट। तो हमारा टारगेट क्या होगा? दोनों ट्राइंगल को क्या बना दो? कंग्रेंट। तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड खुद ब खुद क्या बन जाएंगे? इक्वल। तो इनको करस्पॉन्डिंग जानबूझ के बनाया, ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगे अगर हमने दो ट्राइंगल क्या बना दिए? कंग्रेंट बना दिए। तो अगर मुझे दो साइड इक्वल बनाना है तो एक साइड एक ट्राइंगल का हिस्सा और दूसरा दूसरे ट्राइंगल का हिस्सा होना चाहिए और दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए। तो देखिए, ए बी, ए बी कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? फर्स्ट। और डी सी कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? सेकंड। इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है और इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स ये है इस ट्राइंगल का। समझ आया? हमने दोनों ट्राइंगल को क्या बनाया? कंग्रेंट, क्योंकि हमको क्या इक्वल करना है? साइड्स। कंग्रेंट बनाने का वही मेथड जो अभी हम बना रहे थे 11.1 में। कंग्रेंट बना के यहां पर प्रूफ किया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कंग्रेंट। अब अगर दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होगा? इक्वल। किस रीजन से? सीपीसीटी। समझ आया? तो ये सारी चीज यहां तक करने के बाद हमने क्या लिखा? दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कंग्रेंट। तो अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल, सॉरी, कौन से? कंग्रेंट साइड। कौन है कंग्रेंट साइड? ए बी। ए बी डी का कौन सा साइड लेना है? ए बी डी, ये वाला साइड लेता हूं, ए बी। तो सी डी बी ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? इसका करस्पॉन्डिंग ये डी सी होंगे बराबर। फिर इस ट्राइंगल का मैं ये साइड लेता हूं ए डी, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड अगले ट्राइंगल में कौन होगा? बी सी। ये दोनों बराबर होंगे। रीजन क्या लिखना है? सी पी सी टी। देख लीजिए, प्रूफ वैसा ही है। यहां तक समझ आया? अब आपको याद क्या रखना है? देखिए, पैरेललोग्राम में जैसे जैसे थ्योरम आते जाएंगे वैसे वैसे आपका इंफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा, और सारी चीजें आपको याद करते चलनी है। अभी तक हम सिर्फ क्या जानते थे बेसिक लेक्चर से कि पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में डिफरेंस किस चीज का होता है? पैरेलल का, वन पेयर और टू पेयर साइड के पैरेलल का, है ना। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक अपोजिट पेयर, है ना, एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है,
और पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट पेयर, दोनों अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल होते हैं। यहां तक अभी हमको मालूम था। अब और हमको क्या पता चल गया पैरेललोग्राम के बारे में, कि पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक डायगोनल खींचे तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, उसके कनग्रेंट हो जाते हैं। यह दूसरा इंफॉर्मेशन मिल गया। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या मिल गया कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होते थे, साथ में और क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो ये ए बी और डी सी अपोजिट साइड हैं, तो ये पैरेलल भी होंगे और साथ में इक्वल भी होंगे। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर का होगा तो डी सी भी कंपलसरी कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर। समझ आया? इसी तरह से दूसरा पेयर कौन है, ए डी और बी सी, ये आपस में अपोजिट हैं, अपोजिट साइड्स, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होते थे, आज से हमको और क्या पता चल गया, इक्वल भी होते हैं। तो AD और BC पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये और ये बराबर हो जरूरी नहीं है, अपोजिट सेट की बात हो रही है, अपोजिट लाइन, अपोजिट साइड की। ये और ये पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी, ये और ये पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी। समझ आया? तो फिर से अगर एक पैरेललोग्राम है तो उनके अपोजिट साइड कैसे रहते हैं बताइए, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसे रहते हैं बोलिए ना, क्या सुन रहे हैं आप, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल। समझ आया? अच्छा, अब फिर से अगर मैं आपको बोलता हूं एक पैरेललोग्राम है तो आपके दिमाग में कौन सी बत्ती जलनी चाहिए, सिर्फ हम आपको बोल रहे हैं ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, तो आपके दिमाग में क्या जलना चाहिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे ही पैरेललोग्राम का नाम आया तुरंत दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। आ गया? अच्छा, फिर से इसको उल्टा करते हैं, इसका कन्वर्स इसके आगे के थ्योरम में हम डिस्कस करेंगे। कन्वर्स ये है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब मैं क्या नहीं बोल रहा, पैरेललोग्राम, मैं क्या बोल रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल। बोलने से तो कुछ साबित नहीं होता, अपोजिट साइड इक्वल है कि पैरेलल कुछ पता नहीं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी बन सकता है ना, ट्रेपेजियम भी हो सकता था, पैरेललोग्राम भी हो सकता था। हम बोल रहे हैं ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? अगर हमने उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल बना दिए, इक्वल बना दिए, पैरेलल बना दिए और इक्वल, या सिर्फ इक्वल बना दिया, ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी डी एक क्या था, क्वाड्रिलेटरल, हमने उसके अपोजिट साइड को इक्वल बना दिया, तो अब वो क्वाड्रिलेटरल रहा कि पैरेललोग्राम बन गया, बोलिए, नहीं बनेगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड कैसे होते हैं, अभी प्रूफ किया हमने, एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम आपको क्या बोल रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड का फिगर, उसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर बराबर हैं, ये बराबर और ये बराबर, तो वो कैसा फिगर बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल इन क्वाड्रिलेटरल, देन द क्वाड्रिलेटरल बिकम्स पैरेललोग्राम, तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। एंड दिस इज अवर नेक्स्ट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, इसका उल्टा, कन्वर्स मतलब उल्टा। अगर हम बोले एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो वो फिगर क्या है, पैरेललोग्राम। समझ आया? इसका उल्टा देखिए, कन्वर्स वाला नोट करिए, 11.3।